आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। बाजार पर दबाव और बढ़ता हुआ, सेंसेक्स अब 150 पॉइंट्स नीचे है। निफ्टी में भी करीब 50 पॉइंट्स की गिरावट है। मिड कैप पर इंडेक्स भी 0.5% से ज़्यादा का दबाव, ऑलमोस्ट दिल के लोएस्ट लेवल्स पर हम फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये फिलहाल हाल बाजार का। लेकिन किरण, आपको क्या लगता है, लगातार चौथा दिन फरवरी सीरीज जब से शुरू हुई है तब से लगातार गिरावट आ रही है, क्या लगता है क्यों इतना प्रेशर है और कितना डीप करेक्शन मान रहे हैं आप इसको? डीप करेक्शन नहीं है पर करेक्टिव रैली जरूर है। जो हमने मूव देखी थी करीबन 8070 से लेके डायरेक्ट 9000 तक, प्रैक्टिकल 9000 तक, उसका तो करेक्टिव रैली आना ही चाहिए और ये अच्छी अच्छी बात है। एक वन स्टेप बैक फॉर अ लीप फॉरवर्ड ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा होता है तो एक अगला नया टॉप भी जल्द ही देखने को मिल जाना चाहिए। अभी के लिए 8600 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो देखना चाहिए ये होल्ड करता है नहीं करता है। पर मेरे ख्याल से आज जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले बात की थी 8725 या 8740, ये दोनों के दोनों निकल चुके हैं, तो अगला अगला सपोर्ट इजीली आपको 8600 कल या परसों ही देखने को मिल जाना चाहिए। इन लेवल्स पे रिव्यू लेना चाहिए, इन लेवल्स पे कवर नहीं करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से ये लेवल्स होल्ड करना चाहिए। अगर इधर से वापस यू टर्न लेता है और इधर एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है तो आपको इसी सीरीज में आपको 9000 के ऊपर के लेवल्स को भी देखने को मिल जाने चाहिए। ओके।